गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आज आपको बैंक आपको जो चेक इश्यू करता है, चेकबुक इश्यू करता है, उसका यूज़ कैसे करें उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आपको बैंक में से कैश निकालना है, पैसे निकालने हैं, ओके, तो आप क्या करेंगे, बैंक के कैश काउंटर जहाँ पे कैशियर बैठता है वहाँ पे जाएंगे, ओके, और उनको चेक देंगे भर के। कैसे? तो पे सेल्फ, यानी अभी ये जो पार्टी है, बराबर, ये पार्टी विजय कुमार, ओके, अभी ये पार्टी खुद जाती है बैंक में कैश निकालने के लिए, तो उसको पे में क्या लिखना रहेगा, सेल्फ, ओके, SELF। यहाँ पे डिजिट में लिखना रहेगा, अंकों में, यानी 1 लाख रुपीज़, और यहाँ पे रुपीज़ में वर्ड्स में लिखना रहेगा, ओके, 1 लाख रुपीज़ ओनली। और यहाँ पे डेट, यानी जो पर्टिकुलर तारीख में वो जाता है उसकी तारीख। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट है, क्या, DDMMYY, यानी डेट मंथ एंड ईयर। ये जो बॉक्स है ना, उसमें DDMMYY वो फिट हो जाना चाहिए, ओके। DD मतलब डेट, यानी कौन सी तारीख, 1 तारीख, तो 1 तारीख को कैसे लिखेंगे, 01। मंथ, ओके, MM, वो 2 डिजिट का है, ओके, तो उसको कैसे लिखेंगे, जनवरी का है तो 01, पहले महीना, ओके। एंड ईयर, वो 4 बॉक्स में ईयर आएगा, ओके, तो 2020, 2020 का ईयर, तो कैसे लिखेंगे, 01012020, यानी डेट 2 डिजिट का, मंथ 2 डिजिट का, एंड ईयर 4 डिजिट का, तो यानी ये बॉक्स प्रॉपर वो फिट हो जाना चाहिए, ओके। और जब भी आप चेक भरे तो उसमें कुछ भी काट छाट ना हो, वो ध्यान रखें, ओके, नहीं तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। और चेक के पीछे आपको साइन करना रहेगा, वो तो वहाँ पे आपको बोलेंगे, ओके। तो सिंपल ऐसे करेंगे तो आपको सेल्फ के जरिए वहाँ पे 1 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे, ओके। और एक दूसरी बात कि चेक पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो चेक है बैंक ऑफ इंडिया का है, ओके, और कौन सी ब्रांच का है, कौन सी शाखा यानी ब्रांच, तो उसका ऊपर एड्रेस वहाँ पे लिखा रहेगा, और नीचे ये IFSC कोड, यानी बैंक ऑफ इंडिया जो है, बैंक ऑफ इंडिया, ओके, जो खैरगाम शाखा का, उसका IFSC कोड, यानी किसी भी ब्रांच का, किसी भी बैंक का, किसी भी ब्रांच का एक यूनिक IFSC कोड रहता है, जिसके जरिए बैंक आइडेंटिफाई होता है, ओके। तो यहाँ पे वो उसका IFSC कोड ब्रांच का, ओके, बैंक की ब्रांच का। और यहाँ पे ये अकाउंट नंबर यानी वो अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर। और यहाँ पे जो नीचे है 602, ये बन जाएगा चेक नंबर, ये बाजू में वो बन जाएगा MICR कोड, यानी उसके जरिए भी वो बैंक आइडेंटिफाइड होगा, ओके। तो अभी ये जो चेक है उसमें भी 3 पार्टी रहती है। कैसे? सबसे पहले तो ये चेक किसका है, तो ये विजय कुमार का है। तो विजय कुमार क्या है कि पैसे दे रहा है किसको, तो पेई को, यानी विजय कुमार पैसा दे रहा है किसको, सेल्फ, यानी खुद को ही पैसा दे रहा है, ओके। तो विजय कुमार यहाँ पे क्या बन जाएगा, ड्रॉवर। पे किसको, ये पे जो है वो बन जाएगा पेई, एंड ये जो वो बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, वो बन जाएगा ड्रॉवी, ओके। वो तो सिंपल अलग से एक टर्म हो गई, तो ये है, ओके। अभी सपोज के, और चेक के बारे में अलग इन्फॉर्मेशन भी आपको देता हूँ, जैसे कि अभी आपको किसी पार्टी को चेक देना है, ओके, तो उसके लिए मैं आपको यह दूसरा एक चेक दिखाता हूँ। सिंपल ये देखिए यहाँ पे कि ये विजय कुमार ने पे किया किसको, विशाल पटेल को पे किया, और यहाँ पे डबल क्रॉस भी कर दिया चेक के ऊपर। तो
तो ये डबल क्रॉस यानी क्या, अकाउंट पे ही चेक बन जाएगा। ओके, अकाउंट पे ही मीन्स के ये जो विशाल पटेल है वो ये चेक कैश नहीं ले पाएगा बैंक ऑफ इंडिया में से, उसको कंपलसरी उसकी बैंक में ये चेक प्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, और वो क्लियरिंग में आएगा, अगर सेम बैंक रहेगी तो वो ट्रांसफ़र होगा, वो किसके अकाउंट में, विशाल पटेल के अकाउंट में ही वो पैसा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल क्रॉस यानी अकाउंट पे ही है। इसलिए अभी सपोज़ के यहाँ पे डबल क्रॉस नहीं रहता तो क्या होगा, तो विशाल पटेल जो है वो क्या करेगा, बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा। ओके, खैरगांव शाखा में, और विशाल पटेल जाएगा तो उसको कैश देना पड़ेगा, विशाल पटेल को आइडेंटिफाई कर करके बैंक को। अभी सपोज के विशाल पटेल जो है उसके पास से चेक गिर जाता है और विमल पटेल को मिल जाता है। ओके, तो उस केस में क्या विमल पटेल को पैसा मिलेगा, तो हाँ उसको पैसा मिल सकता है। कैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं पे विशाल पटेल, और यहाँ पे यह क्या लिखा है, या विशाल पटेल या धारक को और बेयरर, यानी विशाल पटेल आए तो उसको, और वो ना आए तो जो भी लेके आए धारक, यानी जो भी चेक लेके आए उसको पैसा देना पड़ेगा। ओके, तो उसके जो उसके लिए वो तो बैंक अगर उसका आईडी प्रूफ ये मांगे तो उसको देना पड़ेगा, पर कोई भी विशाल पटेल के सिवाय जाए चेक लेके तो उसको वो पैसा देना पड़ेगा, किसको, बैंक को। तो ये प्रैक्टिस रखें कि हमेशा यहाँ पे डबल क्रॉस करें, तो क्या चेक कहीं गिर भी जाए तो अकाउंट पे ही, उसके अकाउंट में ही वो पैसा जाए। ओके, तो एक चेक के बारे में एक अलग इन्फॉर्मेशन मिल गई। अभी एक दूसरी चीज़ कि सपोज़ के आपको बैंक में से NEFT, RTGS, DD निकालना है, कुछ भी कर, कुछ अलग चीज़ करना है, तो क्या रहेगा, तो सिंपल उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको RTGS करना है, ओके, बैंक में से, तो आप क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे, RTGS का एक फॉर्म भरेंगी। ओके, RTGS के फॉर्म में सामने वाले का IFSC कोड, अकाउंट नंबर, और सामने वाले का बैंक कौन सी ब्रांच में है वो उसका एड्रेस देंगे। तो उस केस में क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे में थोड़ा टर्म चेंज हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, योर सेल्फ फॉर RTGS, अगर DD निकलना होता तो क्या होता, योर सेल्फ फॉर DD, यानी योर सेल्फ फॉर, यानी आप बैंक को ही बता रहे कि आपके लिए क्या RTGS करें। ओके, यानी योर सेल्फ फॉर RTGS वहाँ पे आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये चेक रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी, यानी चेक भरते समय इतनी बात ध्यान रखें कि चेक में कुछ भी काट छाट ना हो। ओके, यानी चेक भरने में आपको दिक्कत हो रही है तो पहले पेपर पेन में थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद चेक भरिए। ओके, नहीं तो अगर आप किसी को ये काट छाट वाला चेक देते हैं, अगर वो रिटर्न हो जाएगा चेक तो आपको भी चार्ज लगेगा चेक रिटर्न का, और सामने वाली पार्टी को भी चेक रिटर्न का चार्ज लगेगा। ओके, तो ये बात खास ध्यान रखें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, कीप वॉचिंग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।